हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तोसीफ रजा। आप देख रहे हैं इंट्राडे एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं किस तरीके से लाइव मार्केट में रो बॉर्डर काम करता है एंजलबन ऐप में। तो यहां पर एंजलबन ऐप पर चलते हैं और पूरा बैक टेस्ट करने वाले हैं, किस तरीके से हमें लगाना होता है, कहाँ पर हमें LTP जंप लेना होता है, कितना हमें प्राइस लगाना होता है, किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे। और लाइव मार्केट में किस तरीके से काम करता है, यानी कि जब लाइव मार्केट में काम करता है तो इंसान का जो रिएक्शन है वो थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर मैं लाइव मार्केट में आज आपको रो बॉर्डर को बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूं। तो यहां पर मैं एंजलबन ऐप को क्लिक कर देता हूं। उसके बाद यहां पर मेरा पहला इंटरफेस एंजलबन ऐप का ये आता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए, कहने का मतलब है मेरे पास थोड़ा फंड रिक्वायरमेंट कम है, छोटा सा 500-600 रुपए अकाउंट में है, तो मैं यहां पर क्लियरली आपको बिल्कुल डीप OTM मनी में इसको बाय करके दिखाऊं, यानी कि 25 अगस्त का 17900 का सी है, ठीक है। कोई बात नहीं है, डीप OTM मनी है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, आप भी अगर कभी भी आपके पास फंड कम है तो डीप OTM मनी में काम ना करें, ये मैं आपको पहले अगवा कर रहा हूँ। बट यहाँ पर मुझे सिर्फ ऑर्डर लगा के आपको दिखाना है, तो उसका मुझे थोड़ा सा यहाँ पर व्यू कर लेना है, तो इसलिए मैं खाली इसको मैं यहाँ पर आपको बाय करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको क्लिक करना है, मैंने इस पर सिंपल क्लिक किया, उसके यहाँ पर बाय करना है। बाय के बाद यहाँ पर सिंपल हमें भैया इस पर एडवांस ट्रेड पर क्लिक करना होता है। एडवांस पर करने के बाद हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, नॉर्मल स्टॉप और स्टॉप लॉस और रो बॉर्डर। अगर आपको नॉर्मल ऑर्डर स्टॉप लॉस एक साथ लगाना है तो आप दोनों को क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको रो बॉर्डर लगाना है सिंपल तो आप रो बॉर्डर पर इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रो बॉर्डर पर क्लिक किया। अब यहाँ पर मुझे जो है क्वांटिटी डालनी है, जितना मुझे लॉट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी यानी कि एक लॉट चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मुझे प्राइस डालना होता है, यानी कि लिमिट हमारा ये है, तो मैं लिमिट प्राइस डालना होता है। मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस डाल लेता हूँ भैया, केवल मुझे 10 रुपये में चाहिए, ठीक है। 10 रुपये में चाहिए, यानी कि मान लो यहाँ पर 9 रुपये जाए चले, तो यहाँ पर कह सकते हो कि भैया 9.5 रुपये चाहिए, नहीं 9.5 रुपये का अगर आएगा तो मैं इसको बाय कर लूँ। उसके बाद टारगेट हम रखेंगे भैया 5 रुपये का, यानी कि 14.50 रुपये के पास पहुँचेगा तो यहाँ पर हम एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया हमारा। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है हम लेंगे भैया, सिर्फ यहाँ पर हम लेंगे 2 रुपये का, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, नीचे की साइड में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस 5 रुपये का लेते हैं, 5 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस ले लिया। अब यहाँ पर भैया कहने का मतलब है, अगर इसको डायरेक्टली हम बाय कर लेते हैं तो हमारा ट्रेल की तरह काम नहीं करेगा। अगर आपको ट्रेलिंग करना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे LTP जंप मनी कितने पॉइंट से हमारा जो है ऑर्डर कूद है। तो यहाँ पर हम सिर्फ पॉइंट से कूदने का मतलब है, यहाँ पर हम 5 रुपये से कूद रहे, क्योंकि ये भैया ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों, यहाँ पर डीप OTM मनी है, तो यहाँ पर हम 3 रुपये से इसको कूदा सकते हैं, ठीक है। 3 रुपये मैंने यहाँ पर LTP जंप भर लिया। अब यहां पर मुझे LTP जंप अगर नहीं लगाना है तो मैं इसको टिक को हटा देता हूं। उसके बाद LTP जंप लगा नहीं लगेगा मेरे पास, तो मैं यहां सिंपल इसको टिक को हटा लेता हूं, क्योंकि मैंने यहां पर हटा लिया, आपको ये नहीं लगाना। उसके बाद अगर आप ट्रेल करना चाहेंगे तो भी ट्रेल हो जाएगा। उसके बाद यहां पर मुझे बाय कर लेना, ठीक है। मैंने ये भैया कंफर्म बाय पे कर दिया। अब यहाँ पर जब कन्फर्म बाय क्लियर हो गया तो ये ऑर्डर जो है हमारा पेंडिंग में आया। पेंडिंग में क्यों आया, क्योंकि हमने एक लिमिट प्राइस हमने यहाँ पर लगाया था। उसके बाद ही इस मार्केट में जो लिमिट प्राइस लगाया था हमने 9.5 रुपये में, यानी कि हमारा जो है 17900 का जो कॉल है 9.5 रुपये में ही हम सिर्फ बाय करेंगे। उससे ऊपर अगर चला गया तो हम उसको बाय नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा, अब जब भी 9.5 रुपये के 9.50 रुपये के आसपास ये आएगा तभी यहाँ से आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कितनी देर में एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस बताते हैं। अगर आप 9.5 रुपये में बाय नहीं कर सके तो आपको यहाँ पर अगर प्राइस बनाना है कि भैया इसको 10 में ही बाय कर लो, क्योंकि ये तो उसका प्राइस अब नीचे नहीं आ सकता, तो यहाँ पर मुझे इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड में मॉडिफाई कर लेना, मॉडिफाई करके यहाँ पर 9.5 की वजह से यहाँ पर हम सिर्फ इसको 10 रुपये कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि पहले 9.5 रुपये बाय कर रहे थे, अब 10 रुपये बाय करने वाले हैं, इसको फिर हमें सिंपल बाय करना। तो यहाँ पर कन्फर्म बाय पर फिर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल जो हम 9.5 का LTP आ रहा था यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ आपको 10 रुपये का LTP देखने मिले, क्योंकि अब 10 पहले 9.5 रुपये पर आता तब बाय करते, अब यहाँ पर 10 रुपये पर आएगा तब बाय करते हैं। यानी कि मैं इसे सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर लगाया है। उसके बाद देखते हैं अब 10 रुपये पर आता है तब हम इस ऑर्डर को, हमारा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये 10 रुपये नहीं आता तो हमारा जो है मोटर एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिलहाल तब तक के लिए थोड़ा होल्ड करते हैं, उसके बाद देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। तो फाइनली गाइज, यहाँ पर जो है अभी भी ऑर्डर जो है हमारा प्राइस जो है नीचे की साइड नहीं आया, इसलिए हमारा जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब यहाँ पर हमें इसे अगर दोबारा से मॉडिफाई करना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम मैं भी वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, फिर से यहाँ पर मॉडिफाई करता हूँ इसको। उसके बाद यहाँ पर हमें 10.5 कर लेना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाने के तौर पर यहाँ पर कर रहा हूँ 10.5 पर, फिर हम इसको क्लिक करना। तो यहाँ पर अब 10.5 रुपये जब आएगा तब हमें यहाँ पर इसको बाय कर लेंगे हम, ठीक है। 10.5 रुपये आते ही हमारा जो है ऑर्डर लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको लाइव दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, 10.5 आ गया। यहाँ पर नोटिफिकेशन भी हमें मिल गया कि यहाँ पर हमारा
ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब, अब हम यहाँ पर पोजिशन वाले एक्शन में जाते हैं। यहाँ पर मैंने पोजिशन पर देखा तो यहाँ पर अभी कोई भी मुझे अर्निंग नहीं हो रही है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा ऑर्डर जो है बहुत डीप ओटीएम मनी में काम कर रहे हैं हम, तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर थोड़ा लॉस भी लेना पड़े, क्योंकि लॉस ही होता है अल्टीमेटली डीप ओटीएम मनी में काम करने पर। यहाँ पर पेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर पेंडिंग में हमें दो ऑप्शन मिलती है भैया। एक हमारा होता है यहाँ पर टारगेट का, यानी कि सॉरी स्टॉप लॉस का, ऊपर आ सकता है, हो सकता है नीचे टारगेट का भी आ सकता है, ये कोई बात नहीं, ये वैल्यू के हिसाब से बात डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऊपर साइड में आ रहा है हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि हमने ऑर्डर पर सेल लगाया था 5.50 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारा टारगेट आ रहा है 15.50 रुपये नीचे की साइड में। तो हमारा ये जो हुआ, ये हमारा हो गया जो है टारगेट, और ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब हमें किसी भी चीज़ को अगर हम स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करेंगे या फिर हम जो है टारगेट को मॉडिफाई करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर अगर हमें स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना तो हमें स्टॉप लॉस पे ही क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर मॉडिफाई आ गया, मॉडिफाई आते हैं आपको 5.50 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो यहां पर हम इसको स्टॉप लॉस को 9 रुपये का कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर 9 रुपये का कर लिया, तो ये स्टॉप लॉस हमारा 9 रुपये का। अब इसको दोबारा से यहाँ पर सेल कर देते हैं, कंफर्म सेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमने कंफर्म सेल क्लिक कर लिया। अब ये हमारा 9 रुपये लग गया, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा आपको 9 रुपये कितना आ गया, यहाँ पर 9 रुपये प्राइस आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम टारगेट को मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर इसको क्लिक करना है फिर टारगेट को, उसके बाद आप इसको भी मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने के बाद 15.50 रुपये का हमारा टारगेट था, तो हम इसको सिंपल भैया सिंपल फॉर एग्जाम्पल तौर पर 15 रुपये रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 15 रुपये रख लिया। अब इसको सेल करते हैं, फिर सेल करते हैं कंफर्म सेल, उसके बाद ये हमारा ऑर्डर जो है मॉडिफाई हो गया। अब ये किस तरीके से काम करता है ये आपको देख रहा होगा। अब यहाँ पर ट्रेल का सिस्टम क्या है, ट्रेल पे मैंने क्लिक किया था या नहीं किया था ये तो मुझे ध्यान नहीं रहा, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर ट्रेल होगा तो हमारा जितना भी LTP जंप के हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर हमारा जो है ट्रेलिंग का ऑप्शन जो है कूदेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो यानी कि स्टॉप लॉस हमारा कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलता रहेगा, ठीक है। ये नीचे की साइड से ऊपर की तरफ हमारा कंटिन्यू जो है स्टॉप लॉस चलता रहेगा, और इसी तरीके से मार्केट में रोबो ऑर्डर काम करता है, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आपके समझ आ रही हो तो रोबो ऑर्डर लगा के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक चीज़ और साथ साथ आपको ये बताऊंगा, रोबो ऑर्डर सिर्फ इंट्राडे के तौर पर ही काम करता है, ये कभी भी मार्केट में होल्डिंग के लिए काम नहीं करता है। अगर आप ऑप्शन में 2 से 3 दिन की या 10 दिन की होल्डिंग कर रहे हैं तो ये रोबोटर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अगर आप इस रोबोटर को लगाएं तो सिर्फ इंट्राडे तौर पे स्कैल्पिंग पे लगा सकते हैं, या आप पूरे दिन जो आपको ट्रेड बनानी है उसमें पैसा कमाना है तब इस ऑर्डर को लगा सकते हैं। फिलहाल आपको रोबोटर का पूरा सेक्शन समझ में आ गया। यहाँ पर पोजीशन में चल के देखते हैं क्या प्रॉफिट क्या प्रॉफिट। अभी भी हमें लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, हमें लॉस ही होगा क्योंकि भैया हमने डीप ओटीएम मनी में काम करा है। अगर दोस्तों वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।